हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, ये एक सक्सेसफुल प्रैक्टिकल है जिसके मुताबिक ये साबित हो चुका है कि जब आप ये विश्वास करते हैं कि कोई काम असंभव है, तो आपका दिमाग आपके सामने ये प्रूव कर देता है कि ये सचमुच असंभव है। लेकिन इसके अपोजिट जब आप विश्वास करते हैं, सचमुच भरोसा रखते हैं कि वाकई में ये काम किया जा सकता है, तो आपका दिमाग आपके लिए अपने काम में जुट जाता है और तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। दोस्तों, विश्वास अपने आप में एक बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। अगर आप मन में पूरे विश्वास के साथ सोचते हैं या कल्पना करते हैं कि ये काम संभव है और इसे आप कर सकते हैं, तो ये आपके रचनात्मक समाधानों का रास्ता खोल देता है। अपने मन को ये संदेश देना कि ये मुमकिन नहीं है, आप नहीं कर सकते, पूरे विश्वास के साथ नेगेटिविटी पर ध्यान आकर्षित करना बस असफल व्यक्तियों की सोच होती है। ये बातें आपकी सारी परिस्थितियों में अप्लाई की जा सकती है, चाहे वो परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो या फिर कितनी ही छोटी। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को ये विश्वास नहीं होता कि वे अपने एग्जाम में पास नहीं हो सकते, वो यकीनन ही अपने एग्जाम में असफल होंगे या फिर पास भी होंगे तो बहुत ही कम नंबर के साथ। ऐसा सिर्फ इस कारण क्योंकि उनका दिमाग पास होने के लिए, पढ़ने के लिए रचनात्मक तरीके ही नहीं ढूंढ सकेगा। और जो बिजनेसमैन खुद में यह विश्वास पैदा कर लेगा कि वो अभी बिजनेस की मंदी का सामना कर रहे हैं, उस लिहाज से वो अपने बिजनेस को ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए कभी प्रयास ही नहीं करेगा या फिर वो उस मंदी में ही घिरा रहेगा। क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए उसके अंदर उस विश्वास का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे वो अपने बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाने के लिए एक रचनात्मक तरीके से सोच सके और अपने विश्वास से लगातार उसे विकसित कर सके। दोस्तों, अगर आप खुद पर यकीन करते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं, तो आप अपनी निजी जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव होते देखेंगे, अपनी व्यक्तिगत परेशानियों का हल ढूंढ सकेंगे। दोस्तों, विश्वास के द्वारा ही आपके अंदर शक्तियां पैदा होंगी जो आपके कदमों को आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेगी, लेकिन अविश्वास इन पर ब्रेक लगा देगा। तो अगर आपको आपके नए रास्ते बनाने हैं, तो विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए कि जो आप सोचते हैं वो सब हो सकता है। यही रचनात्मक सोच की पहली आवश्यकता है। दोस्तों, यहां मैं आपको कुछ और उपाय बता रहा हूं जिनकी मदद से आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपनी रचनात्मक सोच की शक्ति को और अधिक विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि अपनी डिक्शनरी से असंभव शब्द को हमेशा के लिए निकाल फेंकिए। इस शब्द को मन में, दिमाग में, यहां तक कि कभी जवान पे भी आने मत दीजिए। याद रखिए, जो असंभव है ना, वो असफलता के लिए बनाया गया शब्द है। जब आप सोचते हैं कि ये संभव है, तो आपके दिमाग में ऐसे विचार आ जाते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि आप सचमुच में सही सोच रहे हैं। दोस्तों, हमेशा अपनी जवान में इस प्रकार के शब्द होने चाहिए। हाँ, मैं कर सकता हूँ, ये संभव है, और प्रयास करने से क्या कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो जाएगा और मैं इसे करके ही रहूंगा। जैसे ही आप संभव है वाला सिग्नल अपने दिमाग को भेजते हैं, आपका दिमाग विश्वास के रास्ते पर खुद को जाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है। और एक बार जब आपके मन में विश्वास जाग उठता है, तो आपका दिमाग सफल होने के लिए तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी बात, किसी ऐसे काम के बारे में सोचने का प्रयास कीजिए जिसे पहले कभी आपने करने का सोचा है, लेकिन उस समय वो काम आपको असंभव सा लगा हो। अब उन कारणों की एक लिस्ट बनाएं कि ऐसा किस तरह से संभव हो सकता है। हम में से अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं को दबाकर रखते हैं, इच्छाओं को सपने में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को कोड़े मारते हैं, उन्हें हरा देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा समय बस यही सोचने में निकल जाता है कि हम कोई काम क्यों नहीं कर पाएंगे, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि हम कोई काम क्यों कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। तीसरी बात, खुद से प्रश्न कीजिए, ये काम मैं किस तरह से कर सकता हूँ। खुद से प्रश्न करना विश्वास की क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद करता है, क्योंकि काम का करना एक मानसिक अवस्था है। जब आप खुद से सवाल पूछेंगे, तो आपके दिमाग में अच्छे शॉर्टकट अपने आप आ जाएंगे। बिजनेस में सफल होने का रहस्य यही है कि हमेशा अपने काम की क्वालिटी को सुधारें, अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें, और जितना पहले करते थे उससे ज्यादा करने की कोशिश करें।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।